शारद मात गजानंद तुझको दियावो। अरे गुरु देव गन श्याम आपकी कृपा छावो। अरे मंडप्या गांव सुहावणो रे जिला गढ़ चित्तौड़। लका भगत के सपने आकर प्रकट बयारण छोड़ भगत की साजीर में मां। अरे श्री मंडप्या का श्याम आपकी गांव में मां। लकमा के माँ बाप रामो नंदा के लावे। अरे बाल बना के माय लखो जी खेलन जावे। अरे बारह वर्ष की उम्र के माई गाया चरावा जाए। सावल दे बिताय भगतरी साची में मां। अरे श्री मंडप्या का श्याम आपकी गांव में मां। अरे चौदस की कर जोत मावस को वर्त करावे। अरे जीवन नगर जी संत को माते घात धरावे। अरे लकमा की शादी हुई रे राजी सब परिवार। भगवत जोड़ मिलाई साची घर में भोली नार भगत की साची रमे मां। अरे श्री मंडप्या का श्याम आपकी गांव में मां। जय हो। अपना चित्तौड़गढ़ जिला में ये मंडप्यो बहुत ही सुंदर गांव है। अनि मंडप्या गांव में एक गुजर नंदा जी रहता, वहां की स्त्री को नाम हो रामोबाई। दो स्त्री पुरुष भगवान का बहुत श्रद्धालु भक्त था। वहां की इच्छा के अनुसार नीट निर्यावल एक बच्चा को जन्म लियो। माता पिता बड़ा भगवान आ सत्संग में जाता, कथा कीर्तन में जाता। इच्छा के अनुसार नीट नरियावल एकाएक बेटा को जन्म लियो। वहां बेटा का जन्म अवसर का ऊपर गांव का जोशी जी ने बुला करके आनंद के साथ में गुजर नंदा जी की पोड़ में बैठ करके जोशी जी महाराज लाडला का पांच नाम सुनावे। कई नाम सुनावे जो सुनो। अरे बाजा बाजा डोले नंगारा नंगारा रे नोपत से नहीं सोवन थाल। भगता की वादाया वंटी गुड़ पेली घूगरिया वंटी रंगीली अबीरा छंटी उड़ाई लाल गुलाल नंगारा रे नोपत से नहीं सोवन थाल।
सपा परवाणी रे गुजर नंदा बदाना की पोले अरे लकमो लालो जन्म नाम यो चमनो बेरो बोली राम यो नाम राख्यो लकमो लाल नंगारा रे पते से नहीं सोवन थाले
बाकी विधिवत क्रिया कराई। कोई मात पिता मर जाई बाकी विधिवत क्रिया कराई। ओ संतान कछु बीनाई एक कन्या थी कंकु बाई। संतान कछु बीनाई एक कन्या थी कंकु बाई। सावरिया सेठ की जय हो। वो लखमो भगत 5 वर्ष की उम्र में आवे, माँ घणे लाड लडावे। धीरे धीरे लखो भगत 8 वर्ष की उम्र में आवे। 8 वर्ष की उम्र में सातेड़ा का संग में खेलबा कूदबा के लिए जावे। खेलता कूदता धीरे धीरे लखो भगत 12 वर्ष की उम्र में आवे। 12 वर्ष की उम्र में घर की गौ माता ने चराबा के लिए जंगल में जावे। गौ माता ने बड़ा प्रेम चरावे। गौ माता ने चरावे जंगल में। बरसात का समय में अपना पग का ऊपर आलो आलो धूलो डाल और मिट्टी को मंदिर बनावे। उन मिट्टी का मंदिर में गारा की मूर्ति बना करके वह मूर्ति को नाम रखे सांवरिया सेठ। गुरु जो रोटी लावे वहां को भगवान के भोग लगावे और फिर रोटी ग्रहण करे। शाम की भगत में पांचों मंदिर ने बिगाड़ दे, पांचों मूर्ति ने बिगाड़ दे। फिर दूसरे रोज जावे, फिर आलो आलो धूलो इकट्ठो करे, मिट्टी को मंदिर बनावे, मिट्टी की मूर्ति बिटावे और वह भगवान को नाम राखे सांवरिया सेठ। भगवान सांवरिया सेठ को नाम धरावे और भगवान सांवरिया सेठ उन भक्त की भावना कई प्रकार पूरे। इन भजन का माध्यम देखोगा सुनोगा। सेठ तो हर युग में आ लेकिन भगवान सांवरिया सेठ यानी कलयुग में बनिया। कटे बनिया, कुकर बनिया और कशान बनिया। जो सुनो, जूनागढ़ का मायने भक्त नरसिंह मेहता रहता। भगवान का बड़ा श्रद्धालु भगत था और भक्त भगवान का नाम पे उन जमाना में 14 करोड़ की पूंजी परमार्थ के खातिर लुटा दी थी, खर्च कर दी थी। भगवान व्याज वाडी हुई थी 56 करोड़ को मायरो भरियो। भक्त नरसिंह मेहता की हुंडिया मन वेगी। एक दिन 4 संत जूनागढ़ में पहुंचा और संता क्यों भाई अटे कोई उसे सेठ वेवे तो माने अटू हुंडी लिख दे द्वारका में रिपया पाचा मिल जावे। चोरी चकारी को जमानो है, पैदल जानो पड़े। ई बात है अटू हुंडी लिख दे माने द्वारिका में रुपया मिल जावे। नरसिंह जी के भाई बंदा की कमी नहीं, नरसिंह जी की मजाक की दी और भाई बंदा क्यों भाई माँ का अटे एक सेठ है नरसिंह सेठ, बड़ो जोरदार सेठ है। नरसिंह जी की मजाक की दी। चार ही संता ने नरसिंह जी को घर बतायो को बड़ो भारी सेठ है, हुंडी लिख दे। चार ही संत नरसिंह जी के द्वार पे पहुंचा। होड़ा आंधा धूनी तापता तका नरसिंह जी शालग्राम जी की सेवा करता तका। संत संतों मिलिया, दंडोत प्रणाम की दो, जय गोपाल की दी। संता क्यों भाई नरसिंह सेठ की को नाम? नरसिंह जी क्यों सेठ तो कही है पर मन कहे नरसिंह। मां का ने कहा 800 रुपया है आप ले लो, हुंडी लिख दो, रिपे माने द्वारिका में पाचा मिल जावे। भक्त नरसिंह मेहता विचार के दौरे अपनी हुंडिया तो कद की बंद वे चुकी लेकिन अनी भगत ने आल तक मालूम कोई ने पुरानी पेटू चलियो आयो है। हुंडी लिख दो पचे वेणो हुई जो वे कटे द्वारका और कटे जूनोगढ़। भक्त नरसिंह मेहता 800 रुपया ले लीदा और हुंडी लिखी। हुंडी में कही लिखियो कि सांवरिया सेठ, सांवरिया सेठ संतों के 700 रुपये मेरे पास जमा है। हुंडी पटते ही संतों के 700 रुपया देवे दक्षत नरसिंह जी जूनागढ़ वाला का। या हुंडी लिख दी।
अब 800 रुपया आया तो कई कहनी बात बनी टेम बाजार हूं, दूध आयो, चावल आया, खीर मालपा बनिया, खीर मालपा पूरी दाल और सड़क राम जी के भोग लागो होड़ा ही आंदा की पंगत भी और वे चार भी संत हा जो वे भी पंगत में बैठिया हरिहर कर और संता की पंगत लागी और भोजन जिम्बा लगा भगवान के भोग लागो तो को प्रसाद आनंद संत जीम रिया जो चार संत वे भी जीम रिया और विचार कर रिया रे सेठ हकीकत में बहुत जोरदार है हुंडिया वगैरह भी लिखकर खीर मालपा भी जिमावे वाने या मालूम कोने ये नोट आपने उपड़िया या अपना नोटा कोई हो तो है संत जिम लिदा हुंडी ले ली थी द्वारका पहुंच गया सरोवर में स्नान की दो द्वारका नाथ का दर्शन की दा अब विचार की दो रे भाई अब चला वो सांवरिया सेठ की दुकान कटे है अपना 800 रुपया ले ला चार ही संत द्वारका नाथ की पेड़िया नीचे उतरने पहुंचो भाई सांवरिया सेठ की दुकान कटे बोले भाई अटे कोई सांवरियो सेठ कोई नहीं थोड़ा और आगे जान पूछो कासा सांवरिया सेठ की दुकान कटे बोले भाई अटे कोई सांवरियो सेठ कौन है पूरी द्वारका की गली गली में घूम गया पर सांवरिया सेठ को नाम का सेठ कोई उठे है ही कौन वेवन बतावे संत व्याकुल वे गया द्वारका नाथ की पेड़िया पे पछाड़ खार नीचे पड़ गया रे सांवरा हे मारा द्वारिका नाथ जूनागढ़ में नरसिलो बाबो ठगारो झूठी हुंडी लिख दी थी अटे सांवरिया सेठ का नाम को सेठ कोई है ही कौन भगवान छनमाई ने पलमाई ने डुबड़ो पतलो शरीर कलम कान में टांकी तकी बई खातो खाक में लकड़ी हाथ में बिल्कुल डुबड़ो पतलो शरीर स्वरूप बना करके भगवान बहुत मीठी बाणियों आकर के संता ने बतलाया ओ संत भगवान आप अटे व्याकुल वेन क्यों पड़िया हो आपने कई तकलीफ है मने कहो आप व्याकुल वेन क्यों पड़िया हो संता को दिमाग पहले तो खराब है रियो हो वहां क्यों थने रोबा ने पड़िया हा बाको पहले तो दिमाग खराब है रियो झूठी हुंडी लिख दी थी फिर भी भगवान और मीठी वाणी बोलिया अरे संत भगवान मैं यूं कह रही हूं आप अटे व्याकुल वेन क्यों पड़िया हो मने कहो संता देखो चलो जो भी है जो पूछ तो रियो है संता क्यों भाई जूनागढ़ में नरसिलो बाबो ठगारो झूठी हुंडी लिख दी थी है सांवरिया सेठ का नाम को सेठ अटे कोई है ही कौन है झूठी हुंडी लिख दी थी वहां क्यों रे भाई सांवरिया सेठ को नाम लेता हो तो सांवरियो सेठ तो द्वारका में मारो ही नाम कई क्यों सांवरिया सेठ था को नाम है सांवरिया सेठ था को नाम है कहा बिल्कुल सांवरिया सेठ मारो ही नाम है संत भगवान वकी शकल और सूरत ने देख ने विचार की दौरे या सूरत भी 800 रुपया दे बाहरी की दीक नहरी कहा 800 रुपया वहां जमाने में बहुत बड़ी बात है या सूरत 800 रुपया दे बाहरी की दीक नहरी फिर भी विचार की दो चलो सांवरियो सेठ था को नाम है तो रुपया निकालो फटाफट बोले भाई हुंडी रस्ता में स्वीकरे पेड़ी पे चालनो पड़ेगा चार ही संता का साथ में भगवान द्वारका नाथ का पेड़ियों थोड़ा आगे जाकर के एक दुकान खोली लकड़ी को गल्लो जिमे लाल खोतली निकाल करके 800 रुपया संता ने दीदा संत बनी दुकान में जे बोलिया किंकि जे बोलिया बोलो सांवरिया सेठ की 800 रुपया हाथ में आते ही संत भगवान सांवरिया सेठ की जय बोलिया भक्त नरसिंह मेहता के खातिर द्वारका में भगवान सांवरिया सेठ को रूप धारण करके भक्त नरसिंह मेहता की हुंडी स्वीकारी द्वारिका में आज भी जो द्वारिका गया तकावाने मालूम है द्वारका नाथ की पेड़िया उतरते ही जीमणा पाड़े सांवला जी को मंदिर है वामे सांवरिया सेठ विराजमान है एक तरफ भक्त नरसिंह मेहता विराजमान है बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है और बिल्कुल कलयुग की बात है भगवान विक्रम संवत 1616 में भक्त नरसिंह मेहता की बेटी नानी को मायरो भरियो भगवान सांवरिया सेठ की अटूट कृपा है तो लखो भगत वह जो मिट्टी की मूर्ति बनाओ वहां को नाम रखे सांवरिया सेठ भगवान सांवरिया सेठ
भक्त पर कृपा करे। 16 वर्ष की उम्र में भक्त लखा को ब्याह वेवे भोली भाई का साथ में। कुछ दिना का बाद में लखा भक्त का माता पिता गुजर जावे और भोली भाई का गर्भ से एक लड़की को जन्म वेवे। वह लड़की को नाम हो कंकुबाई। धीरे धीरे कंकु कन्या बड़ी वेवे और वहां बेटी को व्यावर चावे और कई सांवरा की कृपा वे। जो सुनो, लखा भक्त की बेटी कंकु यदि व्याव के लायक वेगी तो उन कंकु कन्या को मांडो रचायो। और कई बात बनी जो सुनो। अरे कंकु कन्या को सावो रे मंडायो रामा, तुम दाम से रे व्यावर चायो रामा। सही नहीं जावे रे पुतरी जुदाई रामा। पाकुंड तक पुतरी ने पहुंचा रामा, फिर एक वृक्ष तले सो जाई रामा। सावरिया सो लगनी लगा रामा, अरे हरि गुण करते ही नींद राजो आई रामा। बोलो सांवरिया से जय हो। यदि वह कंकु कन्या बड़ी वेगी वहां को व्याव रचायो, लखे भगत अपनी बेटी को व्याव की दो। व्याव विवाह का बाद में मां अपनी बेटी ने कुछ अकल की बाता बताई और बरात रवन्ना वेवे तो लखा भगत को बेटी काफी स्नेह हो प्रेम हो, बेटो तो वहां के कोई हो नहीं, तो बेटी का मोह में प्रेम में बड़द गाड़िया में बरात आई तो लखो भगत मंडप्या गांव उन बरात की गाड़ी में बैठ और बेटी बाता करता 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 बागुंड बाद सोड़ा छापर तक लखो भगत साथ में बैठो गयो। उन बागुंड बाद सोड़ा छापर का बीच में व्यय जी ने समझाया कि देखो व्यय जी, आप परंपरा की रीत है, बेटी परायो धन है, आप अटी उतरो, दो चार रोज आपकी बेटी ने पाछी भेजा। लखा भगत ने समझा बुझा करके बादसोड़ा बागुंड छापर का बीच में उतार करके बरात आगे रवन्ना वेगी। अब लखो भगत विचार के दौरे ब्याव को काफी थकेलो है और या बड़ला की गेरी गेरी छाया है, अटमो थोड़ो सो विश्राम कर लू। लखो भगत दन महीने वहां बड़ला की छाया में विश्राम करे, ब्याव को थकेलो हो सुतई और नींद आ जावे और नींद का मायने सांवरो सेठ सपना में आवे और वहां भगत ने कई सपनों देवे। जो सुनो, सांवरो किसान मंडपिया में पधारियो। जो सुनो, मुर्ता देखी रे जमी माय ने रे जमी माय ने जी, तीनू एक समान आये
आए ने जी ले जा जे करे भगवान मती वणा जे मंदिर रेत का हो भगवान सपनो कदी दीदो जो सुनो सम्मत 1900 का साल मेरे नौका साल में जी बावे साखी आखाती जे प्रगटिया पृथ्वी ऊपर रे पृथ्वी ऊपर जी लखो भक्ति में गयो बीज आनंद उमड़ियो रे हिरदा मायने हो सपना में मोटो मंदिर घर पे होव सीरे थारे होव सी जी होला हजारा की बेट काम सारे ला सेट सावरो हो जय हो भगवान सांवरिया सेठ लखमा गुजरने सपनो दे रिया है बाद सोड़ा बागुंड छापर का बीच में बड़ला का नीचे दन मही में सजना सपना भी नरी प्रकार का वह किन अगर होते ही न अपनो आवे 12 महीना में सपनो सच वे जावे आधी रात को सपनो आवे तो 6 महीना में सच्चो वे जावे भाग फाड़ता को किनी सपनो आवे वो सपनो वही दन सच्चो वे जावे और किनी दन में सपनो आवे तो वही टेम सच वे जावे और झूठा जंजाल भी नरी आवे जो गणा हपना का भरोसा भी रेवो मती झूठा फूटा जंजाल भी मोकड़ा आवे तो लका भगत ने दन में सपनो आ रियो है और सपना में सांवरियो सेठ कह रियो रे भाई भगत परो ऊठ थू जनी जगह सुतो तको है अटे नीचे 3.25 गज तले भगवान सांवरिया सेठ की 3 मूर्ता है या मूर्ता ने परी निकाल थारा घरे ले जा जे कटी प्रगणा में मंदिर कोने ऐसो मंदिर थारा घर का ऊपर बैणी लाखा करोड़ा की भेंट आई जो थू रोज मिट्टी का मंदिर बनावे अबे मिट्टी का मंदिर बना मती या मूर्ता ने निकाल थारा घरे ले जाजे भगवान सपनों दे रिया है लखा भगत ने भाई भगत परो ऊट सपनों दीदो सम्मत 1909 का साल में बैसाखी आखा तीज के रोज लखा भगत ने दन में भगवान सपनों दीदो है अब
लका भगत की नींद खुली रे, गजब को सपनो आयो, मुहूतो हूं मारा नीचे सवा तीन गज तले भगवान की तीन मूर्ता है। अब मारा ने कहा कोई औजार पाती कोने जी मुख खोद ने मूर्ता निकाल दू। बनी टेम उदयपुर दरबार की तरफ कच्ची सड़क को काम चाल रही हो, जो बानो सिक्स लाइन वनी तकी है या कच्ची सड़क बन रही ही दरबार की तरफ, कुछ सड़कियां बड़ेगा बड़ी काम कर रिया है। लखो भगत भागो भागो जावे और वह सड़कियां ना अपना मन की बात बतावे रे, मने बाणो ऐशान सपनो आयो भाई सड़कियां सुनो। तो लखो भगत वहां सड़कियां ना अपना मन की बात कहे कही कहे जो सुनो। आस पास का मनख बुलावे सपना का सब हाल सुनावे, सवा तीन गज तले बतावे, मन का के मन बात खतावे, सड़कियां ने बुलावे लखो जी सड़कियां ने बुलावे, लखमो जी गुजर सपनो जी देखे सुख पावे। सुनता ही छड़क्या आया गेती कसी कुदाली तो लाया, खोदत खोदत सावल आया, तीन मूर्त देखण हर साया, देखण छोकड़ो आवे बलानो देखण छोकड़ो आवे, लखमो जी गुजर सपनो जी देखे सुख पावे। मन माए लुबाया एक मूर्त बोले न सिदाया, एक मूर्त बागुंड रखाया, तीजी ले कर आवे लखो जी तीजी ले कर आवे, लखमो जी गुजर सपनो जी देखे सुख पावे। सड़किया ने अपना मन की बात बताई, सड़किया भी भोला भगत कहते ही गेती पावड़ा लेन पहुंचा, वहां बड़ला का नीचे सवा तीन गज जमीन ने खोदी और तीन मूर्ता का दर्शन विया लखा भगत ने वहां सड़किया ने। बोलो सांवरिया सेठ की जय हो। तीन ही मूर्ता एक रंग की एक रूप की एक साइज की, चार भुजा धारण किदा तका चतुर्भुज रूप में भगवान सांवरिया सेठ की तीन ही मूर्ता जमीनों बारे निकली सम्मत 1909 का साल में वैसाखी आखा तीज के रोज। आसपास में आकावार वगैरह बागुंड का कांकड़ में बादसोड़ा का कांकड़ में मूर्ता निकली मूर्ता निकली, गांव का छोरा छाबरा लुगाया मनक सब देखवा के लिए उठे इकट्ठा वे गया। बादसोड़ा का पंचा क्यों रे लका भगत तीन मूर्ता ने थारे कई केरी, एक मूर्त में रा का अटीस प्रगट स्थल बनावा ताकि दुनिया देखी अटे भगवान सांवरा जी प्रगटिया,
एक मूर्ति मेरा का, एक मूर्त लखा भगतों भादिशोड़ा का पंचा ले ली थी, बागुंड का पंचा क्यों रे भाया, गांव का नेम निवड़े नीचे निकली एक मूर्त मेरा का, तीन ने थारे कई कर, एक मूर्त बागुंड का पंचा ले ली थी, एक मूर्त लखा भगत के पाती आई। सजना ये मूर्ता जमीन में पैदा नहीं हुई, ये मूर्ता 500 वर्ष पहली औरंगजेब मेवाड़ पे आक्रमण करवा के लिए आते तो कटी मूर्ता देख तो वह खंडित कर्तव्य की तैयारी कर रहे हो। जीवनगढ़ जी महाराज, पूर्णदास जी महाराज की एक बहुत बड़ी जमात चलती संता की, संता की जमात भी वड़ला नीचे रुकी तकीर तीन मूर्ता ही वहां जमात का महीने। संता विचार की दौरे मूर्ता ने खंडित कर दी, मेहंत जी महाराज को मूर्ति में काफी लगाव हो, मूर्ति के और मेहंत जी का अत्रो लगाव हो कि एक सोना की मोर हमेशा पाट पे तैयार मिलती, सुबह शाम तक को खर्चों में मूर्ता चलाती भी जमात को, तीन ही मूर्ता होना की मोरा ने देती, एक मूर्ति देती होना की मोर। तो मेहंत जी को भी मूर्तियों काफी लगाव हो, खंडित वे बचावा के लिए वाने जमीगत कर दी थी। और महाराज आगे परा गया, राजो समय आयो और ये मूर्ता पाची लखा भगत का सपना में बाहर निकली। एक मूर्त भादसोड़ा में राखी, एक बागुंड में राखी और होना की मोर देवा वाली मूर्ति लखा भगत के पांती में आई। लखे भगत मूर्ति ने टाली कोई ने, मगर किस्मत हो रही सोना की मोर देवा वाली मूर्ति, जो अबार भगवान का आप दर्शन करने आया हो, एक सोना की मोर मेहंत जी ने हमेशा पाट पे मिलती, तो वह सोना की मोर देवा वाली मूर्ति लखा भगत के पांती में आई। माथा पे बिठा करके पैदल पैदल रवाना भी हो बाद सोड़ो मंडपिया गांव में अपना घर आवे और सांवरा ने कट्ठे बिठावे। जो सुनो जाए परेंड के माये बिठावे, जाए परेंडी माये बिठावे, करा सपाड़ो धूप लगावे, करा सपाड़ो धूप लगावे, दूध पतासा को भोग लगावे, दूध पतासा को भोग लगावे, चीनी जालर शंख बजावे, चीनी जालर शंख बजावे, भजन आरत गावे लखो जी, भजन आरत गावे लखमो जी, गुजर सपनों जी देखे सुख पावे, लखमो जी गुजर सपनों जी देखे सुख पावे। वन में जावे, सेवा कर नित वन में जावे, देनू चरा संजा वेली आवे, देनू चरा संजा वेली आवे, सतसंगत कर साधु जिमावे, सतसंगत कर साधु जिमावे, होय मगन हरि गुण गावे, होय मगन हरि गुण गावे, नित उठ नेम चलावे लखो जी, नित उठ नेम चलावे लखमो जी, गुजर सपनों जी सुख पावे, लखमो जी गुजर सपनों जी देख सुख पावे। सौरिया सेठ की जय हो, सांवरिया सेठ ने माथा पे बिठा करके मंडपिया गांव में अपना घरे लावे लखमो भगत। बोड़ी भाई ने क्यों देख तो आज भगवान सांवरा अपने पावना विया है, घर में सब उचवई की जगह रेवे, परेंडी पानी को परेंडो जटके हटाड़ो चुटाड़ो न पड़े। लगे भगत तो बोड़ी भाई ने क्यों देख दो बेवड़ा परा उतार
भगवान ने परेंडी के बीचों बीच विराजमान करा, पीढ़ियों आंगनो नीप करके भगवान सांवरिया सेठ ने वही पड़गड़ी में वही समय में सांवरा को नाम लेकर के भगवान ने परेंडी के बीचों बीच कच्चा मकान महीने भगवान ने विराजमान कर दीदा। बोलो सांवरिया सेठ की जय हो। कच्चा मकान का मायने भगवान सांवरिया सेठ परिंडी के ऊपर विराजमान है। भगवान के चटापटा को वागो चलायो, मिश्री को भोग लगायो, गौ माता को दूध निकाल करके भगवान के भोग लगायो। लको भगत हमेशा सांवरा की सेवा पूजा करे। अब जंगल में मिट्टी का मंदिर न बनावे, मिट्टी की मूर्ति न बनावे, क्योंकि घरे सेवा पूजा कंप्लीट कर और पचे गौ माता ने चरावा के लिए जावे। अशान करता करता काफी समय बीत गयो। एक दिन लको भगत अपनी गाय ने चरावा का वाते जंगल में जावे तो सांवरों कई चमत्कार दिखावे जो सुनो। एक दिन गयो रे लखमो माल मेरे लखमो माल में जी ले गयो गाया ने वो गे रे मगन वे गयो रे माला फेर तोरे माला फेर तो जी ज्ञान में बीती तेरा पैर ज्ञान खुलियो रे नैना माय नू रे नैना माय नू जी अब देखे आंख पसारे अब काया ने घेरे जंगले माये ने रे जंगले माये ने जी घेरत घेरत गयो गारे पड़ी रे करे आवियो हो गो गाया नजर नहीं आए सेवा साजे रे लकमो श्याम की रे लकमो श्याम की जी केवे सांवरिया ने जाए एक दिन लखो भगत माल में गाया चरा रियो। गाया आची चर्री विचार के दोरे सांवरा का पांच नाम ले लूं। माला में चित लागो चेतो लागो तो अश्यो लागो के शरीर की शुद्ध बुद्ध ने री दो चार आया मीना चोर वाने भोड़ो भगत समझ करके लखा भगत की गाया ने चोर लेन रवन्ना वे गया। अब शाम की टेम में लखा भगत को ध्यान खुलियो रे एक गाय गमे दो गमे सब गमगी
बाड़ा खाना में संभाल दो लखो भगत घरे पहुंचो वेस के गाया घरे परी गी वे तो घरे भी ग्वाड़ा में गाया नजर न आई नाना नाना बाचड़ा राम रिया भूखा मरता तका लखा भगत में कहीं भी तकलीफ वे तो परिंडी पे बैठो सांवरिया सेठ वाने अर्ज करे विनती करे और सांवरा ने केवरे सांवरा आज मारी गाया ने कोई लेन पर आ गया कवे ओ सांवरा गाया ले क्या रे कोई मारी छाल रे मोगर झूमर झूमा धोली पीली काली मैं तो राम भजन में गेर ले गया सारी सांवरा गाया ले गया वो कोई मारी ए सांवरा छालर मोगर दोड़ी पीली काली तमाम गाया ने कोई लेन परो गयो ए सांवरा मारी गाया उरी लाओ तो भगवान सांवरा भक्त की पुकार सुनी गदगद वाणी भक्त की सुनी सांवरे सेठ गाटो चढ़ता गेर ने रोकण पहुंचा ठेठ भगवान छन महीने पल महीने घोड़ा की लगाम तानी घोड़ा का ऊपर बैठ करके डानी को रूप धारण करके गाय की मोड़ पे पहुंचा है भक्त के खातिर सुनो ए माया सावरा की नहीं जानी वो अरे गुजर की गाया के खातिर वन जो डाणी रे ले जाए आया है मेवाड़ दरा की आने कटे ले जाए सावरे गाया ने पछाणी वो गुजर की गाया के खातिर वन घो डाणी वो वही माँ सावरी की नहीं डाणी वो गुजर की गाया के खातिर वन घो डाणी वो भगती में बैठा बेटा आसन लगाए लखा भगत भगती में बेटा बेटा यसन लगाए भोग बिन नाली दा अन्न पानी वो गुजर की गाया के खातिर बन जोड़ानी रे भाई मां सांवरिया की नहीं जानी वो गुजर की गाया के खातिर बन जोड़ानी वो सांवरिया सेठ डाणी को रूप धारण करके गाया की अगाड़ी मोड़ पे खड़ा हो गया क्यों रे चोरड़ा गाया मेवाड़ की मालूम पड़े सत्य बताओ गाया कठू लाया सांवरा की आंख को अशो तेज मीणावा ने देख धूजबा लगा कांपा लगा रे मोगड़ा डाणी दे क्या रिश्वत दे निकल जाता आज मु एक नवादो डाणी आयो हूं मारो नाम ही न ऊनियो आल तक मारो नाम है सांवरियो डाणी सांवरिया डाणी को नाम होते ही दूजबा लगा कामबा लगा हुकम मंडपिया गाँव गाया लाया हां जाओ गाया जट्टू की जटे छोड़ आओ पाचा मारो मल निकल जो नितर नाम मारो
सांवरी उड़ानी के बो करे जीवता ने तेल का कड़ाला में भुजवा दूला घोड़ा की टापो में फोड़ा दूला जमीन में गड़वा दूला दीवार में चुना दूला गाया पाची हूं पो डानी की बात सुन करके गाया ने पाची घुमाई मंडीप्या गांव में गाया आई लखे भगत गाया का लाड किदा पाछे देखियो तो चार पांच उबा तका चोर लखे भगत आज जोड़िया हुकुम आज के बाद गाया ने कदी सुनी न रखू आज मारी थोड़ी गांक मल गई मैंने नींद आ गई गाया उजाड़ में आ गई आज के बाद गाया कदी हूं न छोड़ू चोर आ गया यार क्यों भाया में सेण कोने हमें तो चोर हाथ हरी गाया ने चोर ले गया गाटा महीने एक सांवरिया नाम को डानी मिलियो थारी गाया ने पाची फिराई थारी गाया तो समाल लको भगत विचार के दुरे सांवरा मुंह आपकी कथरी माला फेर रियो कथरा भजन कर रियो जो मने तो दर्शन देवा को आपने समय कोई ने रवा चोरा ने जाकर के दर्शन दीदा डानी का रूप में भगवान चोरा ने दर्शन दीदा सांवरिया सेठ का दर्शन डानी का रूप में चोरा करिया गाया होप करके चोर अपना अपना स्थान पे क्या लखो भगत गाया को दूध निकाल करके सांवरा के भोग लगायो और बाछड़ा बड़ा प्रसन्न हुआ। कुछ समय के बाद में एक संता की जमात ने प्रस्थान हुआ। 60 वर्ष की उम्र में बोड़ी भाई प्राण त्याग दीदा, 80 वर्ष की उम्र में लखे भगत प्राण त्याग दीदा। लखे